जब से धारा 370 को हटाने का बिल पास हुआ है तब से ही सब खुश हैं। इस बिल को पास करने के लिए 351 वोट पड़े हैं और इसके विरोध में 72 वोट। इन्हीं में से एक वोट था कांग्रेस के राहुल गांधी का, जो इस बिल का विरोध कर रहे थे। उन्होंने इस बिल को सिर्फ इसलिए समर्थन नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बिल से कश्मीर की ज़मीनी हिस्सों के टुकड़े हो जाएंगे और इस वजह से वहाँ की जनता भी अलग अलग हिस्सों में बट जाएगी। इस बात पर उन्हें विपक्षी पार्टियों ने भी घेरा है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब उन्हें फर्क पड़ेगा क्योंकि उनके पार्टी के ही समर्थक उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस भले ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 व अनुच्छेद 35 को हटाने के खिलाफ हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अनुच्छेद हटाने को लेकर काफी मतभेद सामने आ रहे हैं। जहां अब तक कांग्रेस से कई बड़े नेताओं ने ट्वीट कर अनुच्छेद 370 को हटाने पर सहमति जताई है, वहीं हरियाणा के हिसार में तो कांग्रेसी समर्थक राहुल गांधी के विरोधी खड़े हो गए हैं। कांग्रेसी समर्थकों ने धरने पर एक बैनर लगाया हुआ है जिस पर लिखा है कि हम सच्चे कांग्रेसी हैं, मगर हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि वो अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध क्यों कर रहे हैं। इस धरने को लीड करने वाले बरवाला हलका के युवा नेता विजेंद्र हुड्डा हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा है, देश हित के मुद्दों पर राजनीति करना सही बात नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो वो राहुल गांधी के घर के सामने जाकर धरना शुरू कर देंगे। इसलिए जो भी राज्यसभा और लोकसभा में पारित हो चुका है उसे रोकने की कोशिश ना करें। अनुच्छेद 370 को हटाने से ही देश की आधे से ज़्यादा समस्याओं का हल निकल जाएगा, इसलिए इसका विरोध करना हमारी समझ से परे है। हम आपको बता दें कि जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए राज्यसभा में बिल पेश किया था तब से ही अनुच्छेद के विरोध को लेकर कांग्रेस पार्टी के दो सुर नजर आ रहे थे। इसमें मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया और इस मामले पर अपनी सहमति जताई। वहीं इसके साथ ही हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके चौधरी भजन लाल के बेटे एवं कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर अनुच्छेद हटाने के फैसले को देश हित में बताया है। इतना ही नहीं, हरियाणा के पूर्व सीएम रहे भूपेंद्र हुड्डा के बेटे एवं पूर्व कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी ट्वीट कर इस फैसले को देश हित में बताया है। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज़ को करें सब्सक्राइब, ताकि अब तक पहुँचता रहे हमारा हर अपडेट। धन्यवाद।